नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। यूपी के वाराणसी की सड़कों पर रावण को दौड़ाने के लिए पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए इस अनोखे कदम की हर जगह चर्चा हो रही है। आज का ये रावण महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। आज का ये रावण महिला की सुरक्षा के लिए लोगों से अपील कर रहा है कि महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलो। इस रावण का उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए लोगों की मानसिकता बदले और महिलाओं पर भद्दे कमेंट, अश्लील हरकत, असुरक्षा जैसे अत्याचार और दुर्व्यवहार बंद हो। कि आजकल औरतों को हर जगह बेइज्जत किया जाता है, बुरी नज़रों से देखा जाता है, हर चौराहों में अक्सर भद्दे कमेंट्स दिए जाते हैं, उनका उत्पीड़न किया जाता है। जबकि चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे दुनिया की कोई भी ऐसी किताब हो, उसमें औरत को इंसाफ देने की बात की जाती है, उसकी इज्जत देने की बात की जाती है। लेकिन जो माशरा है उसका उलट है, औरत को बेइज्जत करना चाहता है, औरत को सिर्फ एक खिलौना समझता है, अपनी जो है हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसी उद्देश्य को लेके हम सारा ये जो है सर पे आप देख सकते हैं कमेंट्स, इसको लेके चले हैं ताकि अगर किसी में इसमें का कोई भी कमेंट्स हो उसको दूर करें, अपनी अच्छाइयों को आगे लाए और लोग समाज को अच्छा बनाए। इस समाज में महिलाओं को लेकर के लगातार जो लोग छिटाकसी करते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उन पे अश्लील हरकतें करते हैं, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं के बचाव के लिए आज वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय से एक हरी झंडी पुलिस कमिश्नर ने दिखाया। और ये आज का रावण है जो कि पूरी तरीके से आज ये घूमेगा। और ये इस रावण क्या संदेश देना चाहते हैं उनसे जान लेते हैं। आज ये किस तरीके का वेशभूषा है, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह बदलते दौर के हिसाब से लोग बदलते हैं, उसी तरह जो है लोग अपने अंदर मुखौटा रख के वही पुरानी चीज़ों को रखे रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं करना चाहते। इसीलिए जो है आज के आधुनिक युग के हिसाब से जो है आज के रावण का जो है गेटअप लिया है, उसमें सारे कमेंट्स लिखे गए हैं। अगर किसी में इन कमेंट्स के का जो तथ्य है अगर उनके अंदर पाया जाता है, कृपया उसको दूर करें और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आज ये कहाँ से कहाँ तक आप दौड़ेंगे? अभी फिलहाल ये आज का जो है हमारा कचहरी से लेकर शास्त्री घाट तक का प्रोग्राम है। और भी कुछ संस्थाएं की महिलाएं उनसे जान लेते हैं, आज इस रावण रूपी दिया है आप लोगों ने, इससे आप क्या संदेश समाज में देना चाहती है, क्योंकि आप भी एक महिला है, आप भी बहुत चीज़ों से जूझती होंगी। देखिए सर, एक महिला होने के नाते अगर सवाल करेंगे तो मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है कि उसको कितनी सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। ये सारे जो गंदगी है ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आप लोग भी समझते हैं कि हम महिलाएं सफ़र करते हैं, यह सब सहते हैं। इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर आज हम लोग निकले हैं और कोशिश है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो लोग महिलाओं के सम्मान की बातें करेंगे उनके सामने एक प्रमाण रखना चाहते हैं कि आज का रावण आखिर है कैसा, जो स्मार्ट है, प्रोफेशनल है और हम ही लोगों के बीच में, और उसके चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे कि अगला रावण कौन है। बिल्कुल, देखिए आज का रावण कौन है इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है वो गंदी मानसिकता हो चुकी है, इसी को लेकर के आज ये वाराणसी से रावण रूपी लेकर के आज ये दौड़ेंगे और ये समाज को एक संदेश देना चाहेंगे कि उनकी भी बहू बेटियां हैं, जैसे घर की बहू बेटियां हैं उन्हें भी अपने घर की बहू बेटियां समझे और समाज में सम्मान करे और उन्हें हीन भावना से या फिर किसी भी तरीके से ना देखे। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।